तो गाइज ये है अपने पास टीवीएस की टीवीएस अपाचे 200 जो कि भाई BS6 फेज 2 वाला मॉडल है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया E20 का स्टिकरिंग, जो कि ये जो है अपना सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो आज के इस वीडियो पे गाइज मैं आप लोग को इसी टीवीएस अपाचे 200 का जो है यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि BS6 के मुकाबले BS6 फेज 2 में जो है क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, साथ ही साथ अभी आप लोग को करंट में जो है इसका ऑन रोड प्राइसिंग क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इसके अलावा बाइक में क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बताऊं, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों BS6 फेज 2 मॉडल का, वो आप लोग को लगभग जो है 1,80,000 रुपये के आसपास में देखने को ऑन रोड मिलेगा, जो कि भाई मैं आप लोग को डुअल डिस्प्ले के साथ जो है डुअल चैनल ABS वाले वेरियंट का बता रहा हूँ। और यहीं पर गाइस मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप लोग को ये TVS की अपाची 200 लेनी हो या फिर आप लोग को TVS की कोई सी भी बाइक लेनी हो तो आप लोग गाइस TVS शोरूम पर आके विजिट कर सकते हैं, जो कि अगर आप लोग गोड्डा या फिर गोड्डा के आसपास हैं तो आप लोग गाइस यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। शोरूम का जो सारा कॉन्टैक्ट वगैरह है गाइस वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। बात करें जाए इस बाइक के बारे में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस फ्रंट से। तो फ्रंट पे आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि बाइक पे गाइस आप लोग को जो है फुल्ली LED का लाइटिंग देखने को मिल रहा है, जिस पर कि गाइस आप लोग को LED के DRL भी देखने को मिल रहे हैं। पहले गाइस आप लोग को इस बाइक पे जो है यहाँ पर DRL देखने को मिलते थे, जिसको कि कंपनी ने चेंज करके अब आप लोग को फ्रंट पे दे रही है, जो कि भाई आप लोग को LED का हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइस आए नीचे पे, तो नीचे पे गाइस आप लोग को जो है सोवा का सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि ये आप लोग को गोल्ड कलर का देखने को मिल रहा है। फ्रंट पे गाइस आप लोग को जो है गाड़ी पर टेलीस्कोपिक का सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखे गाइस तो यहाँ पर जो है आप लोग को ABS देखने को मिल रही है, यानी कि गाड़ी पे जो आप लोग को डुअल डिस्प्ले के साथ जो है डुअल चैनल ABS देखने को मिल रही है। यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को फ्रंट के व्हील के बारे में बताऊं, तो गाड़ी पर गाइस आप लोग को जो है 17 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, जो कि बाइक पे गाइस आप लोग को ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आप लोग को टायर साइज के बारे में बताऊं तो फ्रंट पे आप लोग को 90x90 सेक्शन का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को डिस्प्ले के बारे में भी बताऊं, तो फ्रंट पे आप लोग को 270mm का देखने को मिल रहा है। और रेयर के बारे में बताऊं तो रेयर पे आप लोग को गाड़ी पर जो है 240mm का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को रेयर के भी मैं आप लोग को टायर प्रोफाइल के बारे में बताऊं, तो रेयर पे आप लोग को 130x70 सेक्शन का मिल रहा है। और इसके अलावा रेयर पे भी गाइस आप लोग को जो है 17 इंच का ही अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है। बात करी जाए गाइस इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड से आप लोग देख सकते हैं, साइड से यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप लोग को स्मार्ट एक्स कनेक्ट की स्टिकरिंग देखने को मिल रही है, यानी कि इस गाड़ी पे दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। और ब्लूटूथ से अगर आप लोग इस गाड़ी को कनेक्ट कर देंगे तो फिर गाइस आप लोग जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो सभी चीज़ें जो है मीटर कंसोल पर ही देख पाएंगे। बात करी जाए दोस्तों इस साइड से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्यूल टैंक पे जो आप लोग को हॉर्स का 3D लोगो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को RTR की स्टिकरिंग दिख रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को रेड कलर के स्टिकरिंग देखने को मिल रहे हैं, जो कि गाड़ी की जो स्पोर्टीनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊँ तो गाड़ी पर आप लोग को 12 लीटर तक का जो आप लोग को फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं E20 की स्टिकरिंग, यानी कि गाड़ी जो है दोस्तों ये BS6 फेज 2 मॉडल है, यानी कि आप लोग बाइक पर आप लोग E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। बढ़ते हैं गाइस हम लोग इस गाड़ी हैंडल बार की ओर, तो यहाँ पर आप देखें तो बाइक पे आप लोग को स्प्लिट टाइप में आप लोग को हैंडल बार देखने को मिल रही है, यानी कि गाड़ी पे जो है आप लोग को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आप लोग को फ्रंट का जो सस्पेंशन है ये गाइस जो है एडजस्टेबल भी, आप लोग अपने हिसाब से इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो इस पर जो है आप लोग को अच्छे खासे यहाँ पर जो है स्विचेस की आप लोग को क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जिस पर गाइस यहाँ पर जो आप लोग को 5 स्विच देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम, यहाँ पर हाई बटन दिया गया है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, और इस साइड पर हॉर्न की है। इस साइड पर दिखाऊँ तो यहाँ पर जो आप लोग को इंजन किल स्विच, यहाँ पर राइडिंग मोड, इस गाड़ी पर जो आप लोग को 3 राइडिंग मोड भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि गाड़ी पे आप लोग को अर्बन, स्पोर्ट और साथ ही साथ जो है रेन मोड देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आप लोग को इस गाड़ी पर जो है DRL जो फ्रंट का जो DRL है उसको गाइस आप लोग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो आप लोग को स्टार्ट बटन दी गई है, जो कि इस गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को कोई भी किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बात करी जाए दोस्तों इस बाइक के इंजन के बारे में, तो बाइक पर दोस्तों आप लोग को जो है 197.75 cc का आप लोग को इस पर जो है ऑयल कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बाइक का रेडिएटर, जो कि गाड़ी पे जो है आप लोग को ऑयल कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। इस बाइक के दोस्तों मैं आप लोग को पावर फिगर्स के बारे में बताऊं, तो गाड़ी पे आप लोग को 20.54 BHP तक की पावर देखने को मिलती है, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आप लोग को 17.25 Nm तक का देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप देखें गाइस
तो गाड़ी पर जो आप लोग को यहाँ पर जो है इंजन गार्ड भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो है ना बाइक की जो स्पोर्टीनेस है वो और भी बढ़ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो गाड़ी पर जो आप लोग को 180 mm तक का देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग अगर ऑफ रोडिंग भी इस गाड़ी को लेके जाएँ तो आप लोग को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस साइड पर देखो तो यहाँ पर जो है आप लोग को अपाची की स्टिकरिंग देखने को मिल रही है। बाइक पर दोस्तों आप लोग को जो है स्प्लिट टाइप में जो है सीट देखने को मिल रहा है, जो कि सीट जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है आप लोग को RTR 204V की स्टिकरिंग देखने को मिल रही है। बाकी रेयर की और आए तो रेयर पे दोस्तों आप लोग को गाड़ी पर जो है LED का टेल लैंप देखने को मिल रहा है, बाकी जो इंडिकेटर्स है वो आप लोग को हेलोजन टाइप में ही देखने को मिल रही है। इस साइड पे आए तो यहाँ पर गाइज आप लोग को सारी गार्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपना टायर हगर है। इसके अलावा यहाँ पर चेन दिखाऊँ तो गाड़ी पे आप लोग को ओपन चेन सिस्टम ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइज आप लोग को पिलियन फुटपैक देखने को मिल जाती है। बात करी जाए यहाँ पे तो गाड़ी पे दोस्तों आप लोग को 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि गाइज गाड़ी पे आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाती है। बात करी जाए दोस्तों इस गाड़ी के वेट के बारे में तो इसका जो ओवरऑल वेट है दोस्तों वो आप लोग को 152 kg तक के देखने को मिलेगी। बाकी यहीं पे मैं आप लोग को माइलेज के बारे में बताऊं तो इस गाड़ी से दोस्तों आप लोग इजिली जो है 35 kmph तक की माइलेज निकाल लेंगे। बाकी अगर आप लोग इस गाड़ी को हाईवे पे प्रॉपर अच्छी तरीके से चलाएंगे तो गाइज आप लोग को जो है 45 kmph तक की भी माइलेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइज इस बाइक को जो है ना मैंने पर्सनली ओन किया हुआ है, जो कि मेरे पास जो है BS6 मॉडल है, और हाईवे पे अगर आप लोग इस गाड़ी को अच्छी से चलाएंगे तो आप लोग को 45 kmph तक की भी माइलेज देखने को मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी पे दोस्तों आप लोग को फर्स्ट इन द सेगमेंट आप लोग को एडजस्टेबल जो फ्रंट के जो लीवर है वो आप लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी गाइस इसका जो सीट है वो स्प्लिट टाइप देखने को मिलता है, इस वजह से क्या है ना कि लेडीज को बैठने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन जेंट्स जो है काफी कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। इस गाड़ी का दोस्तों मैं आप लोग को एग्जॉस्ट दिखाऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी साउंड आप लोग को काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलती है। और यहीं पे दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के सीट हाइट के बारे में बताऊं तो लगभग जो है 800 mm इसका सीट हाइट है, और रेयर पे गाइस आप लोग को इस गाड़ी पर जो है मोनो का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आप लोग को लगभग जो है 1,80,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। कहां पे भाई, मैं इसमें हूं TVS शोरूम पे, जो कि अपना गोड्डा झारखंड पे पड़ता है। तो अगर आप लोग को ये TVS की बाइक लेनी हो या फिर TVS की कोई सी भी बाइक लेनी हो तो आप लोग को गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है शोरूम का सारा कॉन्टेक्ट वगैरह मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो है वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑल्सो राइड सेफ।